मेरे ऑफिस आया तो पीपल आर लाइक क्या मंगाया तूने ऐसा, मतलब उन्हें लगा था मैंने पूरे साल की शॉपिंग अभी कर ली। कि ये क्या है, क्या व्हाट इज दिस, कहाँ लगाना, कहाँ है इसको। बारिश, मैंने कपड़े सुखा रखे, होल्ड ऑन। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज अनुप्रिया अगेन एंड आफ्टर सो लॉन्ग मैं दोबारा वीडियो बना रही हूँ। आप लोगों को पता है कि नहीं पता है बट मैं रिलोकेट हो चुकी हूँ चंडीगढ़, तो अभी इट्स एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड अ होम फर्स्ट, वो लेना पड़ा, इसी में मेरा टाइम निकल गया। लाइक पहले लेना, मिले या ना मिले वो भी नहीं पता, एंड ओ गॉड बहुत सारे ब्रोकर से बात करना है एंड ब्रोकर की एक्स्ट्रा कॉस्ट, बहुत सारी चीजें थी। बट फाइनली आई गॉट माय हाउस एंड दिस इज अ रूम जो मैं आज डेकोर करने वाली हूँ। वैसे पॉजिटिविटी यहाँ होती है बट इफ इन केस अगर पॉजिटिविटी चाहिए तो यार रूम तो अच्छा होना चाहिए ना। तो दिस इज द विंडो जहाँ से डायरेक्ट धूप आती है एंड आई एक्चुअली लव दोज फ्लैट्स और हाउस और होम्स जिसमें डायरेक्ट धूप आती हो। जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ ही चुके हो, मीशो की हेल्प से, क्योंकि मैंने जितना होम डेकोर अभी तक लिया है दैट इज फ्रॉम Only from Meesho। आपको पहले रूम की हालत दिखा दूं। वैसे तो देखो जो भी चीजें मैंने मीशो से मंगाई है काफी सस्ती है, मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी सबके इफ यू वॉन्टेड। एंड कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैंने अपने वॉल के कलर के हिसाब से मंगाई है, क्योंकि एज यू कैन सी ये जो वॉल का कलर है दिस इज ऑल ऑफ वाइट। मैंने क्योंकि एसी ऑन करा हुआ इसलिए डोर बंद है। दिस इज माई बेड एंड दिस इज अ वार्डरोब एंड आई जस्ट लव द कलर ऑफ वार्डरोब, डार्क ब्राउन एंड काफी शाइनी है क्योंकि मैंने आज ही कोलिन से इसको साफ किया है। दिस इज द विंडो जहां से मुझे डायरेक्ट धूप चाहिए होती है अपने बेड में एंड दिस इज अ मिरर। मिरर होना तो देखो यार बहुत ही जरूरी है। मेरा सामान अभी आधा भारी है ये देख रहे हो आप, और सबसे बुरी चीज तो मैंने आप लोग को दिखाई ही नहीं है, दिस मेस, मतलब अलमीरा देख रहे हो तुम मेरी का। ये दो चीजें मेरे पास ऑलरेडी थी क्योंकि ड्रीम कैचर्स जो मैं लेके चलती हूँ, आई जस्ट लव द व्हाइट ड्रीम कैचर। बात करते हैं कि मैंने मीशो से क्या क्या लिया है। होल्ड ऑन, मेरे को ये कैमरा फिक्स करने दो, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या लेके आई हूँ। द फर्स्ट प्रोडक्ट विच आई ऑर्डर फ्रॉम मीशो, मैं जो इसकी पिक्चर है वो एक बार यहाँ पे भी शेयर कर दूंगी एंड लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इफ यू रियली वॉन्ट टू बाय इट यू कैन क्लिक ऑन द लिंक एंड बाय, आई जस्ट लव इट। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग ये चप्पलों को देख कितना खुशी हो रही है। सी जनरली मेरे रूम पे लोग इतने आते नहीं है बट फिर भी अगर मैं भी एंटर हो रही हूँ तो अच्छा लगता है। आई टेल यू इसमें क्या लिखा है, इसमें है प्लीज लीव योर शूज एंड स्लीपर्स आउटसाइड। तो दिस इज अ परफेक्ट थिंग उन ढीठ और जलील लोगों के लिए जो तुम्हारे घर में ऐसे ही आ जाते हैं बिना चप्पल जूते उतारे। बट मैं आपको दिखाऊंगी भी कि ये मेरे डोर पे लग कैसा रहा है वन बाय वन। पहले मैं आपको प्रोडक्ट सारे दिखा दूं, उसके बाद मैं रूम को जब डेकोरेट करूंगी ना तो मैं वो भी दिखा दूंगी। ऑब्वियसली मुझे रूम को तो डेकोरेट करना है, उसके लिए मुझे ऐसी चुल मची हुई है ना कि मतलब आई कैन नॉट इवन कंट्रोल। तो दिस इज द सेकेंड वन एंड आई शो यू ये है क्या, सो क्यूट। आई मीन लुक एट द फिनिशिंग, द पॉलिशिंग जो भी है, ये कार्डबोर्ड है, ये नॉर्मल सा जिसने भी बनाया है बट कार्डबोर्ड है, लेकिन ये बहुत ब्यूटीफुल है। सी इसमें लिखा हुआ है टू वेरी थैंकफुल इनक्रेडिबली ग्रेटफुल। सो दीज आर सम पॉजिटिव थिंग्स जो मुझे अपने रूम पे चाहिए थी, प्लस आई लव द कलर्स, बिल्कुल वेट नहीं हो रहा है मुझसे। लेट्स जस्ट मूव इन टू थर्ड, दिस इज माई गॉड दिस इज सो क्यूट। आप लोग को उल्टा दिख रहा होगा तो मैं उल्टा दिखाना नहीं चाह रही, मैं पढ़ लेती हूँ आपके लिए। इसमें लिखा है वर्क हार्ड बिलीव इन योर सेल्फ ट्राई न्यू आइडियाज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, आई मीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी मैं इतना एग्जॉस्टेड हो जाती हूँ ना चीजों को लिख लिख के, लाइक जब आप लिखने बैठते हो तो आपको लिखते हैं यार आप क्या ही लिख रहे हो, मतलब ये लोगों को कहाँ से पसंद आएगा। ये चीज मुझे चाहिए थी, ऐसा हार्ड कार्डबोर्ड है, स्ट्रगल देख रहे हो तुम मेरा, हाथ में पकड़ के कर रही हूँ मैं इसको क्योंकि इसका जो हुक था वो टूट चुका है। अभी मैं सोचा है मैंने कि मैं नेक्स्ट माइक जो लेने वाली हूँ और जो लूंगी वो थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का लूंगी। ये मैं बहुत टाइम से इसको ट्राई कर रही हूँ, दिस इज जस्ट फॉर 999, बट ऐसा नहीं है कि ये चलता नहीं है, दिस इज एक्चुअली नाइस बट चाइनीज है यू नो, तो चाइनीज माल कभी ना कभी टूट के गिर सकता है, कभी भी आपको धोखा दे सकता है। तो ये दूसरा मेरे पे माइक है एंड इसने धोखा दे दिया क्योंकि कब निकला कहाँ निकला मेरे को भी नहीं पता चला। ये थोड़ा सा भारी सी चीज है। Oh my God. This is the 3D painting. इन्होंने बोला ये 3D है, बट अगर आप इसे पास से देखोगे तो 3D बिल्कुल भी नहीं है। Get the color. This pink one is actually very nice. This sky blue, pink. As I am already wearing pink and this pink and pink looking very very pink. क्या कह दिया मैंने? क्या कहा? क्या कहा? क्या कहा? क्या कहा? This is the product and इसके अंदर है कुछ ऐसी चीज जो मैं बहुत टाइम से देख रही थी बाय करने के लिए। पिक्चर दिखाती हूँ, पिक्चर पे थोड़ा सा ज्यादा बड़ा लग रहा था ये, अभी मुझे बहुत छुटपू सा लग रहा है ऐसी।
काफी छोटा सा लग रहा है मेरे को, बट इसपे मैं क्या लगाने वाली हूँ वो मैंने सोचा है, वो अभी तक आया नहीं है तो अभी इनकम्प्लीट है चीजें, बट यस जब आएगी तो मैं वो लगा दूंगी, मैं वो शेयर भी कर दूंगी, डोंट वरी, या तो शॉर्ट्स डाल दूंगी या पिक्चर डाल दूंगी, डोंट वरी अबाउट दैट, बट जो जो फिलहाल मेरे पे है लेट्स जस्ट यूटिलाइज, लेट्स मूव ऑन टू आवर फोर्थ प्रोडक्ट इज ऑब्वियसली आपको देख के पता लग ही गया होगा, दिस इज अ लाइट, मैंने छोड़ दिया तो ये वापस जाने वाला है नहीं, इतने जाहिल तरीके से कौन दौड़ता है बेटा, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आ जाएगी, एंड द क्वालिटी इज एक्चुअली वेरी अमेजिंग, आप इसको दिख रहा है आपको, बारिश, मैंने कपड़े सुखा रखे, होल्ड ऑन, आई डोंट नो व्हाई दिस इज हैपनिंग टू मी, मैं जब भी बाहर कपड़े सुखाती हूँ ना यार, मतलब जिस दिन मैं कपड़े वॉश करती हूँ उस दिन अगर बारिश ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है, मैं बड़े मजे से वीडियो बना रही हूँ एंड मेरे सारे कपड़े भीग चुके हैं, गॉड मैं जितनी मैं इतनी स्पीड से चला के आई हूँ ना, मतलब इतनी स्पीड से कपड़ों को वापस रख के आई, बट कोई फायदा नहीं है, आई हैव टू वॉश ऑल दी क्लोथ्स अगेन क्योंकि सब पर पानी लग चुका है एंड मॉनसून में पानी लग गया तो दैट मीन्स फंगस एंड ऑल, लेट्स जस्ट कंटिन्यू, हम ट्राई करने वाले हैं लाइट, आई रियली विश कि ये सही निकले क्योंकि नो डाउट मुझे मीशो पे भरोसा है, बट 1% अगर अपना ही लक खराब चलेगा तो क्या कर सकते हैं, आई डोंट नो कि ये क्या है, ये ऐसा कुछ दे रखा है एंड आई डोंट नो इसको लगाना कहाँ है, व्हाट इज दिस, द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज द बैग जो बहुत बड़ा है, तो जब ये मेरे ऑफिस आया तो पीपल आर लाइक क्या मंगाया तूने ऐसा, मतलब उन्हें लगा था मैंने पूरे साल की शॉपिंग अभी कर ली, बिकॉज मेन्स आर यार इतना कौन लेता है रूम के लिए ना, बट नहीं हम लड़कियाँ अलग हैं, दीज आर द स्टोरेज बॉक्सेस जो अलमीरा आपने देखी थी ना, मेरे अलमीरा का हाल क्या हो रखा है, उसको मैनेज करने के लिए मैंने ये मंगा रखा है, कुछ ऐसा लगता है ये दिया हुआ है, इट्स कार्डबोर्ड गत्ता टाइप है, ये कुछ अपने घर पे हो तो ठीक है तुम अपने घर पे नीचे शीट लगा सकते हो एन चीजें, अब आई एम ऑन रेंट नाउ और अगर मैं यहाँ पे हर जगह शीटें बिछाते रहूँ तो मेरी सैलरी वही निकल जानी है, तो आई कैन नॉट डू दैट, उसके अलावा मैं ये कर सकती हूँ कि मैं ये यूज कर सकती थी एंड इसके साथ अगर मैं कहीं भी कल के दिन अगर चेंज भी करती हूँ रूम या फ्लैट चेंज करती हूँ तो डेफिनेटली मैं इसको कहीं भी लेके जा सकती हूँ तो प्रॉब्लम नहीं होगी, और प्लस अगर कुछ धूल वगैरह होगी तो फिर वो नीचे रहेगी ऊपर नहीं आएगी, तो दिस इज द बेस्ट थिंग एंड द बेस्ट डील इज ये मुझे 500 में 9 मिलेगा, यू बिलीव इट, मतलब 400 पे 6 मिल रहे थे तो 100 ही ज्यादा थे, तो मैंने कहा मैं 500 पे 9 ले लूंगी, दैट इज अ बेस्ट डील आई गेस, इट्स गुड, बट इतना अच्छा भगवान होने नहीं देता ना, गॉड इज लाइक कि ऐसे कैसे तुमको अच्छी चीज मिल जाएगी, तो मैंने एक चीज ये देखा, ये मैंने तोड़ दिया है क्योंकि मैं इसको खींच रही थी एंड खींच के ये टूट चुका है, तो लेट जस्ट डेकोरेट द रूम एंड इफ यू गाइज Have any suggestion for me? Just comment below. Like मैं कहाँ पे और क्या add कर सकती हूँ? Because this is something which I really want to add. तो इसके अलावा आपको लगता है कि नहीं ये इस wall पे नहीं इस wall पे होना चाहिए? तो please give me suggestions. And just comment below and I'll do the correction. I'll share the video with you as well. Don't worry. तो ऐसा नहीं है मैं वही कुछ भी बोल रही हूँ. I'll do that. I promise. Paintings जो मैं लगाने वाली हूँ और मैं ये सोच रही हूँ मैं वहाँ लगाऊँ. This is so cute. This is how it is looking. Adhesive tape ढूंढने पड़ेंगे. आप देख रहे हो क्या मैस हो रखा है मेरे रूम. Guys, ये जो आप चीज देख रहे हो ये बहुत कमाल की चीज है. ये है वॉल पे लगाने का और ये ना चिपक जाएगा अगर इसके साइड में इन्होंने दे रखा है. शीट लगी है वो निकालूंगी एंड देन उसके बाद में कुछ भी चीज इसके ऊपर लगा सकती हूँ. ठीक है एंड इसको मैं काफी टाइट ग्लू है लाइक ऐसा नहीं है छोटू सा. इट्स एक्चुअली वेरी टाइट. वाओ ये सच में काफी अच्छे से पेस्ट हो गया है और अब ये लगाने वाली हूँ मैं. नट ओपन कर सकते हो छुटकू सा एंड फिर इसको लगाने के बाद लगाया मैंने इसके बाद मैं इस नट को फिर से लगा सकती हूँ. वेरी नाइस एंड क्यूट. मेरे को ये एंड आई डोंट नो मैं इसे कहाँ लगाऊं. ये मैंने लगा दिया है एंड ये यहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा है. ये लगा दिया मैंने यहाँ पे. मैंने ये गाइस पहली निकाली है और ये है नाइन. मैं इसको मैनेज करती हूँ अपनी अलमीरा को एंड उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इन स्टोरेज बॉक्स ने मेरी अलमीरा कर कैसे दी है. फाइनली कुछ आर स्पेंड करने के बाद मेरी वार्डरोब फाइनली ऑर्गेनाइज हो चुकी है एंड आई जस्ट लव इट. काफी सिस्टम से हो गया मतलब मुझे जो चाहिए वो मैंने वहां पर रख दिया है. दूर से ऐसा लग रहा है. और गाइज मैंने यहाँ पे ये जो ड्रीम कैचर है ये लगा दिया बिकॉज ये व्हाइट था तो मैं अगर व्हाइट पे लगा रही थी ना तो पता नहीं चल रहा था. तो व्हाट आई डिड इज ये मैंने यहाँ पे लगाया. ये एक्चुअली दो थे तो मैंने इसका जुगाड़ करके इसको एक बना दिया. नाउ इट इज लुकिंग गुड और दिख भी रहा है वरना इससे पहले ना ये दिख भी नहीं रहा है. आई जस्ट लव एंटिक्स. ये मैंने ऋषिकेश से ली थी. वेरी स्पेशल फॉर मी. आई कैन नॉट ओपन दिस बिकॉज मैं इसमें डेली कुछ ना कुछ लिखती हूँ. दैट इज माई ड्रीम और समथिंग लाइक दैट. तो मैं इसको नहीं ओपन करूंगी. बट दिस इज एक्चुअली सो नाइस. ऐसी
धार्मिक चीजें आपको ऋषिकेश में ही मिलेगी। लुकिंग नाइस, ये मैंने लिखी है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज अ सैंडल। सैंडल, व्हाट इज सैंडल? ये मैंने रखी है बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इट्स अ कैंडल एंड यही मेरी प्रीशियस डायरी। बेड का हाल कुछ ऐसा हो रखा है। अब आती है लाइट की बारी, लेट जस्ट फिक्स इट। सो फाइनली जो मेरे मिरर की लाइट है, जैसा कि आप देख ही रहे हो, फिट हो चुकी है एंड आई कैन नॉट इवन एक्सप्रेस दिस फीलिंग। दिस इज सो डैम ब्यूटिफुल। मेरे को जो ये था प्लांट, लाइक इंडोर प्लांट, तो मैं ये टीक ट्री फर्नीचर पहुंच चुकी हूँ, सेक्टर 16 पंचकुला। एंड मैं वैसे नर्सरी सर्च कर रही थी बट लकीली मुझे गूगल पे ये मिला हुआ, एंड दिस इज द बेस्ट शॉप इफ यू आर लुकिंग फॉर सम एंटीक काइंड ऑफ थिंग। प्लस इन पे फर्नीचर है, कुशन है, लेकिन फर्नीचर टीक वुड के है तो बहुत महंगे हैं, तो मैं उस तक नहीं गई। दिस इज मी, मिरर हो और मैं ना हूँ ऐसा कभी हो नहीं सकता। एंड दीज आर दी प्लांट्स जो काफ़ी रीजनेबल थे, लाइक इतना ज़्यादा महंगे नहीं थे, ठीक थे। और ये मेरा प्लांट रेडी हो रहा था, तो मैंने दो प्लांट बाय करे हैं जैसे आप देख रहे हो, एक अपने रूम के लिए और एक टेबल के लिए, दोनों रूम के लिए, बट ये टेबल वाला मनी प्लांट है। एंड लेट्स सी मेरे रूम पे लग कैसा रहा है। किसी किसी के लिए वो रूम नहीं होगा जो उन्होंने सोचा था, आई अंडरस्टैंड दैट, बिकॉज ड्रीम रूम, ड्रीम हाउस, ड्रीम होम इज एक्चुअली अ वेरी बिग थिंग। लोगों पे डिपेंड करता है कि उनको रूम कैसा चाहिए कैसा नहीं चाहिए, बट फॉर मी दिस इज वेरी स्पेशल, वेरी वेरी स्पेशल, बिकॉज मैंने हर एक चीज को देख के, सोच के, मंगा के लगाया है। एंड एज आई सेड, आप कितना भी कर लो, आप एट दी एंड जब चीजों को देखते हो तो यू विल बी लाइक, यार यार ये क्या ही है, मतलब क्यों ही पैसे खर्च कर दिए, राइट? बट This is my happy place now and I would really really love if you'll comment below कि आप लोगों को ये अच्छा लगा कि नहीं लगा है, because जैसा भी है my room। Hope you like the video, don't forget to like, share and subscribe my channel। Thanks for watching, bye bye।